ये चीज सच में एक नई चीज सुनने में आएगी। मतलब वो ऑटो वाले, वो उनका अलग ही रूल रेगुलेशन होता है, जो बस स्टैंड पे रहते हैं उनका अलग ही रूल रेगुलेशन है, उनकी अलग ही दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यमराज हैं। प्रेत कहेगा यमराज होता है, वो ज्यादा गाड़ी नहीं चलाते, वो लोग लेके आते हैं जैसे आओ जी कितने का है जी, आज 1500 दे देना जी आओ जी। अरे 1500 रुपए कौन देगा, दिल्ली के सफर कहाँ है 1500 का 1000 रुपए का, कोई तुक ही नहीं है। मैं एक चीज और कहूंगा दिल्ली सरकार से कि आप ये घुसपैठी सारा, मतलब हर चीज बंद करें और ऑटो रिक्शा के ऊपर, मतलब आप किराया अगर बढ़ा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो गैस का पैसा घटा दीजिए और पुलिस को भिड़ा दीजिए कि जो भी लोग बिना कागज पत्र का ब्लाउट लाइसेंस ब्लाउट बैच चलता है उसके गाड़ी को अच्छा भी काम कीजिए ना, कि इतना कचरा भी तो खत्म होगा। वो सब लोग अनपढ़ गमार लोग जिस लाइन में घुसे हुए हैं ना, वो खत्म किए इस लाइन को, बदनाम किए हैं। देखिए ये सब लोग, कुछ लोग अपना अपना सोच है, ठीक है, समाज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे समाज में आप पलिएगा, ठीक है ना, जैसे हवा पानी भोजन वातावरण ये सारी चीजें होती है, मतलब अपने अंदर वो प्रवेश हो जाती है। तो जो आदमी देखा ही नहीं, मान लीजिए मैं खेत कोड़ता हूँ या धान के खेत में धान रोपता हूँ, दूसरों को मजदूरी करता हूँ, तो हमारी सोच वही सोच होगी। हम कभी नहीं सोचते कि भाई मेढक की तरह हम कुएं में से निकल के जो है ऊपर कैलाश पर्वत पे चले जाएं। सोचना चाहिए ऊपर वाले के हाथ में, क्या पता वो चले जाएं, हम नीचे नहीं सोचना चाहिए, अपने से नीचे वाले लेवल वाले को सोच के देखिए। एक चीज और देखता हूँ कि दिल्ली के अंदर में भिखारी इतने जमा हो गए हैं, ये सब राज्य के सरकार की मतलब लापरवाही है, कमजोरी है, कि सब कोई भी आदमी आता है दिल्ली, चलो भीख मांगने चलो, ये करने चलो, ये कोई तरीका नहीं है। सवारी भी परेशान हो जाता है गाड़ी में, एक को दिया फिर दूसरा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, दूसरा आया, तीसरा, सवारी भी पागल हो जाता है। किसको कहता है भैया, ये तो सीएम है, दिल्ली के सरकार को जो है भगाना चाहिए इस सबको। अरे नहीं, यही रहो, कमाओ ना अच्छे से रहो, अब सब लोग भीखे मांगते रहेगा, देने वाला आदमी कहाँ से देगा। स्टेशन पे चले जाओ, किसी भी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहां पे मतलब अगर जो गलती से आपने एक को दे दिया ना, तो वो उसको देख ही देगा, मतलब 5-6 आ जाएंगे वहां पे लेने के लिए। वो जो देने वाला रहेगा वो भी कितना देगा, किसको देगा, कहाँ से, वो तो बोरा भर के लेके आया नहीं कोई 10-20। देने के लिए क्यों आया भाई, वो क्यों देगा, उसने तो अपनी मेहनत का किया हुआ है ना, अपनी मेहनत का कमाया, तो क्यों देगा, जिस जो मन करेगा वो करेगा, वो देना चाहिए सरकार को, ध्यान देना चाहिए इन सब सब चीज पे। देखिए राज आपका है, हर चीज का सुधार, कहीं कहीं एक तो इतना गर्मी चल रहा है, आपको कहीं कहीं पियाऊ नहीं है, अरे महाराज कहीं कहीं पियाऊ बैठवाओ ना। जहां जहां जैसे आईटीओ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, दोनों साइड पियाऊ हुआ, उसमें पानी नहीं रहता है। मैं कल भी पानी भरने के लिए जमुना पार से आ रहा था, शाम को मैं रुका तो पानी नहीं था, हमेशा देखता हूँ पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ। हाँ जी, सब लोग बेसलरी, अब बताइए दिन भर में 200-300 रुपए कमाएंगे, अब बेसलरी पियेंगे 20 रुपए का, कल मैं 20 रुपए का पानी पिया, 40 रुपए का ठंडा पिया, हजम हो गया, तो बर्बादी हो गया ना 60 रुपए, हजम हुआ वो 40 रुपए का पानी, वो तो पेट में खुरखुर करता ही रहा, मैं क्या करूँ। लेकिन उतना का तो हम सब्जी खरीदते तो 2-3 टाइम खाते, बच्चे पूरी फैमिली मिलके खाते, तो क्या करें, ये तो ये लोग पैसा अपना टैक्स ले रहा है, और बेसलरी पियो, गरीब आदमी भी कमाओ, 310 बोतल पानी पी जाओ, 200 का पानी हो जाएगा, भीख मांग के खाओ, फिर गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है।